Hi, I'm Yamini Sharma, Reiki Gyan Channel से. How are you all? Hope you all fine well. मैं Reiki Gyan से आज लामा फेरा के बारे में बताऊंगी कि लामा फेरा के इफ़ेक्ट या लामा फेरा में क्या ऐसी एनर्जीज हैं जिनके काम करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा शक्ति आ जाती है. बिकॉज मैं लामा फेरा से जुड़ी हूँ. लामा फेरा सबसे पावरफुल एनर्जीज़ है. मेरे इतने सारे वीडियोस में आपको मोस्टली लामा फेरा के बारे में पता चल गया होगा कि मैं क्यों लामा फेरा को इतना पसंद करती हूँ, क्यों कहती हूँ इसकी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा हैं. यूँ तो रेखी, वास्तु, ज्योतिष मैं सबसे जुड़ी हूँ, पर लामा फेरा की जो एनर्जीज है उनके इफ़ेक्ट बहुत फास्ट होते हैं. मैंने उन इफ़ेक्ट्स को महसूस किया है. जब हम क्लाइंट हीलिंग करते हैं, क्लाइंट्स को हीलिंग देते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट से अचानक से क्लाइंट में पॉजिटिविटी आ जाती है. आज मैं इस पे बात करूंगी. सबसे पहले हम बात करते हैं लामा फेरा की. साउंड हीलिंग, देखिए एक अलग आवाज़ है इसमें. जब भी मैं ये सिंगिंग बाउल अपने आसपास बजता है या बजाती हूँ, आई फाउंड सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी. बिकॉज साउंड हीलिंग में इतनी पावर है ना कि जब भी आप सोचिए आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं, आप उसका साउंड हीलिंग, तो कितना आप नॉर्मल हो जाते हैं. बहुत गुस्से का आपका मूड है, आपका मन नहीं लग रहा, अचानक से आप म्यूज़िक चलाएंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एकदम से आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है. तो दैट्स द इफेक्ट ऑफ साउंड हीलिंग. लामा फेरे के अंदर हम साउंड हीलिंग के थ्रू एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं. जैसे यहाँ ओम की वाइब्रेशन इसके अंदर आ रही है. दिस इज़ हैंडमेड बाउल, और जब मैंने हैंडमेड बाउल बजाया तो क्रिएट ओम वाइब्रेशन. तो जब आप मेडिटेशन करते हैं एट द टाइम ऑफ लामा फेरा, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है. तो साउंड हीलिंग इफेक्ट लामा के थ्रू, लामा फेरा के थ्रू आते हैं. इसके इफ़ेक्ट इतने तेज हैं कि जो लोग लामा फेरा कोर्स सीख रहे हैं आजकल, उन पे मैंने देखा है कि अचानक से उनकी वाइब्रेशन, उन्होंने बोला है मैम, चेंज होने लगी. हमें बहुत सॉफ्टनेस का अनुभव होने लगा. गंभीर बीमारी थी, हमारी बॉडी से नहीं जा रही थी, हमने इलाज करा लिए, लाखों रुपए फूंक दिए. आज हमें लगता है हमने ऐसा क्यों किया, अगर हम यही लामा फेरा करते तो वो बीमारी निकल जाती. कर्स, यानी कि कोई ऐसा कोई श्राप या कोई ऐसा पूर्व जन्म से आपके अंदर आई हुई ऐसी ऊर्जा जो नहीं निकल रही. सी, आप साउंड को सुनो, आप एक वाइब्रेशन है. लामा फेरा में यही शांति है. लामा फेरा के अंदर जो लोग शांत नहीं हो पाते, जो गंभीर बीमारी, जैसे मैं अभी कर्ज की ही बात कर रही हूँ, वो नहीं निकल रही, आपने बहुत इलाज करा लिए हैं, उनमें भी चेंज आना शुरू हो जाता है, वो निकलना शुरू हो जाते हैं. बट नियमित प्रैक्टिस अनजन रूल्स यू नीड टू बी फॉलो एट द टाइम ऑफ लामा फेरा. बिकॉज लामा फेरा के अंदर कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है. इतना ईजी नहीं कि आप बैठे और हो गया, नहीं. इसके रूल्स हैं जो फॉलो करना पड़ेगा. एंड देन वाइब्रेशंस, फायर एलिमेंट, साउंड एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड देन क्रिस्टल, सबकी वाइब्रेशन का कंट्रीब्यूशन है लामा फेरा. अगर आप सामने वाले की हीलिंग करते हैं तो देन लामा फेरे के अंदर प्रेयर, अफर्मेशंस, इनका भी बहुत रोल होता है. एंड देन प्रैक्टिकली वर्क, सामने वाला पर्सन लेता है एंड दे टेल यू कि भाई मेरे को डायबिटीज़ है और इतने सालों से डायबिटीज़ है. अगर आप नियमित उसकी हीलिंग या नियमित लामा फेरा के प्रोसेस टिप्स को फॉलो करते हैं तो एकदम से उसके अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है. तो लामा फेरा के अंदर हम जो साउंड हीलिंग देते हैं वो मेंटली उसको पीस देती है, और जैसे ही माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, बॉडी एक हार्मोन्स वो क्रिएट करता है जो पूरी बॉडी में जाना शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी भी वहाँ रिलैक्स होना शुरू हो जाती है. देन हम लामा फेरा में देन सिम्बल्स, यूजिंग सिम्बल्स देयर, देयर सम काइंड ऑफ ब्यूटिफुल सिम्बल्स जो आपके लिए पॉजिटिविटी है, मनी ब्लॉकेजेस है, कर्स हैं आपका, या आपका कोई ऐसा जो प्रॉब्लम आपकी कभी जा नहीं रही, या कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, नेगेटिविटी के बहुत ज़्यादा शिकार है, या कोई ऐसी नेगेटिविटी जो आपकी बॉडी से जाती नहीं बहुत लंबे समय पे, सब पे लामा फेरा काम करता है. मगर इट्स टेक लिटिल टाइम, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, पॉजिटिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी. देन क्लीनिंग द हाउस, जब आप लामा फेरा जहाँ करते हैं वहाँ पर बहुत कम सामान होना चाहिए.
इस तरीके के जो अभी पॉजिटिव समान जैसे अष्ट धातु का बाउल बना है, इस तरीके के बाउल या साउंड हीलिंग बाउल वहाँ होने चाहिए। प्रॉपर वो जगह बिल्कुल साफ़ होना चाहिए जिस कमरे में आप करते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। एंड डेली जो आपका बेसिक अट्यूनमेंट होता है या जो भी आपका प्रोसेस होता है उसको आपको फॉलो करना होता है। ये नहीं हमने सीख लिया उसको रख दिया, नहीं, आप रिपीटेडली करते हैं। तो क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखिए, लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, मैं सजेस्ट करूँगी बिल्कुल रखें। नाउ आगे का जो मैं आपको मेन यहाँ पे बताऊँगी, जो जिस मेन बात का भी आपको लामा फेरा में ध्यान रखना है, वो है आपका जो आपका जो आपके वेस्टर्न टेक्निक्स है उसके थ्रू लोग चेंज कर लेते हैं। देन द कलर ऑफ रेड, देन फ्लावर थेरेपी, उसके थ्रू हीलिंग करना, देन नेगेटिविटी को कैसे वहाँ से रिमूव करना, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो नहीं करते, बिकॉज नेगेटिविटी रिमूव होगी तभी वहाँ पे पॉजिटिविटी आती है। देन प्रोसीजर, ऑलमोस्ट कितनी देर का आप प्रोसीजर कर रहे हैं, उनमें किन स्टेप्स का फॉलो कर रहे हैं, एंड देन जिनसे आप लामा फेरा ले रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना। ये नहीं आपने भाई, मैं अक्सर देख रही हूँ वो लोग बाओं का काम नहीं चल रहा या कुछ ऐसी दिक्कत है, वो पता नहीं, नहीं हम कर देंगे, आप ही कर देंगे, पीछे पड़ जाते हैं, फ़ोन लाते हो आप परेशान होकर चले जाते हैं। नहीं, आप अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ही की एनर्जी ब्लॉक होती है। तो जिससे भी आप लामा फेरा सीख रहे हैं, जिनसे भी आप कोर्सेज कर रहे हैं, प्लीज़ अच्छे लोग हों, आप अच्छे से उनसे करिए। देन इसके अंदर यदि आप ज्योतिष के थ्रू भी अगर आप जाते हैं, कभी कभी नक्षत्रों का भी होता है, तो हम वो भी यहाँ पे हील करते हैं। जैसे कोई आपका शनि की दशा आ गई, राहु की दशा आ गई और ये परेशान आपको कर रही है, भाई शनि आ गया आपके साढ़े साथी आ गई, शनि की महादशा आ गई, इन केस में भी लामा फेरा काम करता है। तो उसमें हम उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है पर्टिकुलर नक्षत्रा की, उसको भी एनर्जीज पॉजिटिविटी के साथ निकालते हैं। एट लास्ट जो आप करते हैं वो आप देते हैं पॉजिटिविटी, वहाँ पे आप 100% पॉजिटिविटी, क्योंकि जब पॉजिटिविटी आप डालेंगे, उसको पॉजिटिव रखेंगे उस व्यक्ति को, तो ऑटोमेटिकली उसकी वो प्रॉब्लम निकलना शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको और सामने वाले व्यक्ति को जो रहना पॉजिटिविटी। देन गुप्त क्रियाएं, उनको प्लीज़ आप गुप्त क्रियाएं जो है वो अपने तक ही रखिए, उनको पब्लिकली मत करिए। कि लामा फेरा के कुछ रूल्स हैं जो मैंने भी समझे थे, मैं देखिए इतने वीडियो बनाती हूँ, पर कभी भी बहुत सी गुप्त क्रिया उनको ओपनली नहीं बताती, रेखी में भी और भी जगह पे, क्योंकि जब आप कोई चीज़ ओपनली बता देते हैं ये तो उसमें क्या है कि जब व्यक्ति करता है, सपोज उसके कोई गलती हो गई तो आप उसके दायरे में आ जाते हैं कि आपने, क्योंकि वो तो आपके विश्वास पे कर रहा है काम, तो आपके विश्वास पे किया, तो आपके कार्मिक ब्लॉकेज, कार्मिक आपने ब्लॉक उसका ले लिया। तो मैं अपने जो भी चैनल पे उस पर वही बताती हूँ बातें जो आपके लिए दिक्कत में ना हो। तो गुप्त विधि, गुप्त विद्या, वो आप ओपनली, आप उसको जब आप कोर्स कर रहे हैं या कोई ऐसा जब वो कर रहा है तो आप उसको बताइए, क्योंकि अगर वो गलती सपोज करता है वहाँ पे तो आप समझा सकते हैं कि नहीं यहाँ तुमने गलती कर दी, बिकॉज वो आपके टच में है। लेकिन यदि आप उसको बता देंगे उसने देख के कर ली, लोग कहते हैं हमने तो यूट्यूब पे देख के पर्टिकुलर काम कर लिया, अरे कैसे कर लिया, ना शक्तिपात हुआ ना आपने समझा, और जो प्रॉब्लम्स आई और आपके पैथिक ब्लॉकेजेस वो आपने कैसे निकाले, तो आप भी फंसेंगे साथ में, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का भी भला नहीं होता। एनर्जीज आती हैं और चली जाती हैं, वो कहता है अरे तो बेकार है, इसका तो होता ही नहीं, तो कुछ होता ही नहीं, उसकी सोच ऐसे बन जाती है। तो इनका भी आपको लामा फेरा के दायरे में ध्यान रखना है। आज मैंने बताया लामा फेरा के इफेक्ट क्या है, जैसे इफेक्ट आप डालेंगे ना, ये सारे प्रोसेस आप देखिए, टोटली जो व्यक्ति है उसके अंदर चेंजेस स्टार्ट। ये मैंने सारे इफ़ेक्ट आपको बताए हैं जो मैंने अपने सोच से या मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको दिए हैं। अगर आप लामा फेरा से जुड़ते हैं, उसको सीखते हैं, उसे करते हैं, ये सारे आप प्रॉब्लम्स को निकालते चले जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं आपको, और तब आप सीखते हैं, तो आप देखेंगे आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। मेरे रेखी ज्ञान से आप जुड़े हैं, आप सभी लोगों का वेलकम एंड थैंक यू सो मच।